नाइस ना तो और दिखाओ मैडम स्टील टोस दिखाओ ना अच्छा लग रहा है है ना हाँ। आ भैया इनके लिए तो छह सात इंच वाली हील दिखा दो ठीक हाँ। <laughs> है हाँ बेटा बोल माँ हाँ? मैंने टीचिंग एग्जाम क्लियर कर लिया सच भैया हाँ जी फ्लैट सी दिखाइए क्यों, क्यों क्या हुआ कद बढ़ाने के लिए अब लटकना शुरू करोगी दिन रात ट्वेंटी फोर <laughs> बेटी ने अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन ज्वाइन किया और टीचिंग एग्जाम क्लियर किया और बच्चे जब तरक्की करते हैं ना तो माँ बाप का कद अपने आप बढ़ जाता है अड्डा ट्वेंटी फोर की एक्सपर्ट और क्वालिटी एजुकेशन से आप तैयार होते हैं बैंकिंग टीचिंग एस एस सी जैसे अनेक कम्पिटेटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए और एक अच्छा करियर बनाने के लिए अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन जॉब है रापे नमस्कार दोस्तों मैं आपका मैथ्स मेंटर आकाश एसएससी 247 पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बढ़िया तरीके से चल रही होगी फटाफट से बताइए कैसे हैं आप लोग और प्रिपरेशन कैसी चल रही है दोस्तों होप यू ऑल आर ओके ऑल आर फाइन तो चलें आज का जो ब्लैक मैजिक है वो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के ट्रिक पर रहने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लैक मैजिक आज का रहेगा आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी फटाफट से एक काम करिए सेशन के लिंक को कॉपी करके शेयर कर दो मैक्सिमम लोगों तक दोस्तों चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक स्पेशल इंफॉर्मेशन दोस्तों ट्वेंटी का ऑफ आप लोगों के लिए है टेस्ट सीरीज पर तो इसका फायदा उठा लीजिएगा टेस्ट सीरीज जिस भी स्टूडेंट के पास नहीं है इस कोड को यूज करके वाई पांच सौ तैतीस एस

गुड मॉर्निंग भाई सारे लोगों को गुड मॉर्निंग एक काम करो यार पहले फटाफट से शेयर कर दो सभी लोगों तक शेयर कर दो भाई बहुत बढ़िया शानदार बहुत बढ़िया शानदार भाई शानदार शेयर कर दो जल्दी से भाई दोस्तों जल्दी चलो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस इसमें आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे जिसमें एक आदमी घर से निकलता है और किसी पर्टिकुलर दूरी पर जाकर वो तो पाता है कि वो दस मिनट पंद्रह मिनट लेट हो गया अगले दिन वो अपनी स्पीड कम या ज्यादा करता है अगर उसे टाइम पे पहुंचना है तो वो अपनी स्पीड बढ़ा देगा और जब वो बढ़ा देता है अपनी स्पीड तो फिर वो देखता है कि यार मैं तो बहुत पहले आ गया वहां पर तो अगले दिन वो दूसरे दिन पहले पहुंच जाता है तो ऐसे क्वेश्चंस में डिस्टेंस पूछी जाती है अक्सर और फॉर्मूला हम लोग क्या यूज करते हैं ऐसे क्वेश्चन में दो तरीके के फॉर्मेट बनते हैं वो दोनों फॉर्मेट में आप लोगों को आज बताने वाला डिस्टेंस के रिगार्डिंग एक तो ये देगा आपसे कि आने और जाने की स्पीड दे देगा और टोटल टाइम दे देगा कि आने में और जाने में कुल समय कितना लगा और एक जगह टाइम का डिफरेंस देगा तो दो केस बनते हैं यहाँ पर पहले मैं लिख देता हूं उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे तो हमें थोड़ा आसानी रहेगी समझने में क्योंकि हमने पहले से उसके बारे में सुन रखा होगा तो दो केस बनते हैं एक तो बनेगा टोटल टाइम का केस आने और जाने में टोटल टाइम का केस ठीक है और एक बनेगा टाइम डिफरेंस एक बनेगा टाइम डिफरेंस का केस तो दो केस बनते हैं पहला केस बनता है टोटल टाइम का ठीक है पहली स्पीड एस वन है और दूसरी स्पीड एस टू है ये ध्यान रखिएगा पहली स्पीड जाने की स्पीड एस वन है वापस आने की स्पीड एस टू है और टोटल टाइम कितना दिया गया दोस्तों टोटल टाइम दिया गया टी टोटल टाइम कितना दिया गया टी आर टोटल टाइम कितना दिया गया टी आर टोटल टाइम ठीक है तो ऐसी कंडीशन में अगर हमसे डिस्टेंस पूछा जाए तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाता है एस वन बहुत ध्यान से इसको फॉर्मेट को देख लेना एस टू अपॉन एस वन प्लस एस टू इंटू टोटल टाइम इंटू टोटल टाइम ये फॉर्मेट रहता है बोलो क्लियर ये फॉर्मेट रहता है यहां पर अब अगर हमारे पास टाइम डिफरेंस दे दिया जाए टाइम डिफरेंस का मतलब है पहले पहुंचा या जल्दी पहुंचा तो टाइम डिफरेंस का मतलब क्या है दोस्तों अपने पास यहां पर मैं लिखता हूं इसको ध्यान से समझना बस आप लोगों टाइम डिफरेंस की बात अगर कर दे टाइम डिफरेंस का मतलब क्या होता है टाइम डिफरेंस का मतलब होता है अर्ली और लेट या तो अर्ली की बात कर दे या लेट की बात कर दे ऐसा कुछ भी बोल दे भाई तो आपसे बोल दिया आप समय से पहले आ गए तो इसका मतलब क्या डिफरेंस आप बता रहे हो कि कितने मिनट पहले आ गए आपसे बोल दिया जाए आप लेट पहुंचे तो आप इसका मतलब है डिफरेंस बता रहे हो आप टाइम का तो अगर अर्ली और लेट की बात कर दे कहीं पर भी जल्दी और पहले बाद की बात कर दे तो ऐसा क्वेश्चन में सॉरी <laughs> जाने की स्पीड दे रखी है अपने पास एस वन और वापस आने की स्पीड दे रखी है S2, और इनका कुछ ना कुछ टाइम का डिफरेंस दे रखा है तो ऐसे क्वेश्चन में जो डिस्टेंस निकालते हैं वो अपने पास ये आ जाता है डिस्टेंस का फॉर्मूला एस वन एस टू अपॉन एस वन डिफरेंस एस टू टू टाइम डिफरेंस ये बात ध्यान से समझ लीजिएगा बस फॉर्मेट ये यहां टोटल टाइम दिया गया होता है इसलिए यहां यहां पर प्लस कर देते हैं स्पीड का और टोटल टाइम आ जाता है यहां पर टाइम डिफरेंस दिया गया होता है तो इसलिए स्पीड इस का डिफरेंस ले लेते हैं और टाइम डिफरेंस आ जाता है तो ये फॉर्मेट दोनों के दोनों अपने दिमाग में रखिएगा इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से दोस्तों जल्दी से थोड़ा तेज बोलना है क्या बात आवाज नहीं आ रही क्या वॉइस क्लियर है भाई संजीत वॉइस बताओ फटाफट से पहले सभी लोगों को क्लियर है चलो यहां तक चीजें क्लियर चलिए बहुत बढ़िया भाई शानदार इसका ले लो फटाफट फास्ट एकदम इसका ले लो फटाफट से जल्दी से डन चलो अब आगे क्वेश्चंस की तरफ देख लेते हैं कि क्वेश्चंस क्या कहना चाहता है ठीक है अपने क्वेश्चंस की तरफ देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या कहना चाह रहा है

चार किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लौटता भी है इस प्रक्रिया में उसे कुल पांच घंटे अड़तालीस मिनट का समय लगता है दूरी बतानी है कि दूरी क्या है तो यहां पर हम एक चीज देखेंगे कि हमें दिया क्या गया कुल समय दिया गया क्या दिया गया कुल समय दिया गया टोटल टाइम दिया गया है तो ऐसे फॉर्मेट का अभी हमने बताया था कि डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो अपने पास रहता है एस वन एस टू ओवर एस वन प्लस एस टू इन टू टोटल टाइम यही तो फॉर्मेट बताया था मैंने इंटू टोटल एस टू की वैल्यू कितनी है की कितनी है अपने पास चार दोस्तों अपने पास चार बोलो हाँ या ना और दोनों का टोटल करोगे पच्चीस और चार उनतीस बहुत ध्यान से पच्चीस और चार उनतीस पांच घंटे अड़तालीस मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर लो तो 48 मिनट का मतलब कितना हो जाएगा 48 बटे 60, 48 बटे 60 करोगे इसे घंटे में कन्वर्ट करोगे मिनट को तो बारह चौक 48 और 12 पंजे 60। तो पांच पंजे 25 और चार उनतीस उनतीस बटे पांच घंटे उनतीस बटे पांच घंटे बोलो हाँ या ना तो मैं यहां पर इस टाइम की जगह कितना लिख सकता हूं उनतीस बटे पांच लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं बोलो कोई डाउट

अब तो कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन में टोटल टाइम दिया गया था और यही फॉर्मेट हमने यूज करना है बस अगर हमारे पास टोटल टाइम की बात करेगा और कुछ भी दिमाग नहीं लगाना दोस्तों बोर्ड एंडीम में कैसे ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है वो भी आप लोगों को बताऊंगा चिंता मत करो पहले यहां पर इतनी बात बताओ यहां पर चीजें क्लियर है सारे लोग बताओ जरा मेरा यही डेली का टारगेट होता है कि यार हर दिन आपका कम से कम एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो अगर आपके एग्जाम में दो महीने हैं सपोज एक महीना है किसी एग्जाम में तो तीस दिन में तीस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे दोस्तों यहां पर इस वाली क्लास में फिर नौ बजे वाली अपनी की क्लास चलती है वहां पर चैप्टर वाइज चीजें चल रही हैं तो वहां पर भी कॉन्सेप्ट क्लियर चल रहे हैं तो अगर आप एक से दो महीने रेगुलर मेरे साथ जुड़ जाते हैं सुबह छह बजे और नौ बजे वाली क्लास में और दो बजे मैं कराता हूं प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लाइव इसी यूट्यूब चैनल पर तो अगर ये तीनों क्लास आप लोग देख लेते हैं तो मैं ये सोचता हूं कि एक से डेढ़ महीने के अंदर अंदर जो आपकी एक्यूरेसी है वो बढ़ जाएगी कॉन्सेप्ट आपके अच्छे क्लियर हो जाएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं देखते हैं ध्यान से चलिए फटाफट से पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा एक व्यक्ति बीस किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने कार्यालय पहुंचता है ठीक है हालांकि वह तीस किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लौटता है जाने की गति बीस दे रखी है और वापिस आने की गति तीस दे रखी है एस वन की वैल्यू बीस दे रखी है एस टू की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों तीस दे रखी है और आने और जाने का कुल समय कितना दे रखा है दोस्तों आने और जाने का कुल समय कितना दे रखा है पांच घंटे दे रखा है तो टोटल तो टाइम कितना दे रखा है यहां से देख लीजिएगा टोटल टाइम कितना दे रखा है अपने पास यहां पर दे रखा है फाइव आर्स तो दे रखा है तो यहां से खेल समझ लीजिएगा डिस्टेंस इक्वल्स टू कॉन्सेप्ट तो यही रहने वाला है एस वन एस टू अपॉन एस वन प्लस एस टू इन टू टोटल टाइम क्योंकि तो हमारे पास टोटल टाइम दिया गया इसलिए हमने स्पीड को ऐड कर दिया गया इन टू टोटल टाइम तो पहली डिस्टेंस कितनी स्पीड कितनी स्पीड है ट्वेंटी दूसरी स्पीड कितनी है 30, दोनों को ऐड करोगे आ जाएगा और टोटल टाइम कितना दिया गया आवर्स टोटल टाइम कितना दिया गया फाइव आवर्स दिया गया बोलो फटाफट पड़ से टोटल टाइम कितना दिया गया फाइव आवर्स दिया गया इससे ये टेन टाइम्स एक जीरो से एक जीरो क्लियर ट्वेंटी थ्री या सिक्सटी तो डिस्टेंस कितनी आ गई दोस्तों 60 किलोमीटर सारे लोग बताओ फटाफट फड़ से यहां तक चीजें क्लियर हैं यहां तक चीजें क्लियर हैं सबसे पहले इन्होंने आंसर दिया बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया शानदार चलें अगले क्वेश्चन की तरफ अच्छा लाइक ठोको फटाफट फड़ से अगर चीजें समझ में आ रही है तो जल्दी से दोस्तों जल्दी से लाइक ठोके अगर चीजें समझ में आ रही है तो यहां तक पॉइंट क्लियर है किसी को किसी भी तरीके का कोई डाउट तो नहीं है डाउट नहीं है तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है फटाफट फड़ से दोस्तों जल्दी से चलिए जल्दी से बताइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आंसर बताइए इसका फटाफट फड़ फास्ट जल्दी देखता हूं कौन कौन बता सकता टास्क है टास्क का हो गया हो गया भाई फटाफट पड़ से बताओ आया इसका आंसर आ गया चलो देख लेते हैं इसमें कोई घबराने की बात नहीं है एक व्यक्ति 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने कार्यालय पहुंचता है तो जाने की स्पीड कितनी दे रखी है दोस्तों 25 किलोमीटर और वह चार किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है तो एस टू की वैल्यू कितनी दे रखी है चार किलोमीटर टाइम कितना दे रखा है इस प्रक्रिया में उसे इस प्रक्रिया में उसे घंटे मिनट का समय लगता है ठीक है घंटे मिनट का समय, तो टाइम कितना दे रखा है अपने पास? टोटल पच्चीस और चार उनतीस बटे पांच घंटे ऐसा होगा कि नहीं होगा घंटे पास दे रखा है उनतीस बटे पांच घंटे बोलो क्लियर अब उसके द्वारा तय की गई दूरी बतानी है आंसर बताओ जरा फटाफट से भी जल्दी से सी डी सी डी क्यों बता रहे हो निकाल तो सकते हैं आंसर डिस्टेंस कितनी हो गई दोस्तों अपने पास डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना हो जाएगा यहां से एस वन एस टू अपॉन एस वन प्लस एस टू इन टू टोटल टाइम इन टू टोटल टाइम तो यहां से स्पीड की वैल्यू कितनी आ जाएगी पच्चीस इन फोर अपॉन पच्चीस प्लस फोर ट्वेंटी नाइन एन टू टोटल टाइम कितना दे रहेगा ट्वेंटी नाइन फाइव टोटल टाइम कितना ट्वेंटी नाइन फाइव ट्वेंटी नाइन से ट्वेंटी नाइन के लिए फाइव से फाइव टाइम्स तो डिस्टेंस आ गई अपने पास पांच सौ बीस किलोमीटर बट क्वेश्चन को ध्यान से एक बार देखिएगा कि पूछा क्या गया है? पूछा यह गया व टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्स कुल दूरी कितनी चला कुल दूरी टोटल डिस्टेंस की गई कुल दूरी बतानी है तो कुल दूरी का मतलब यह है है कि 20 किलोमीटर वो गया है और 20 किलोमीटर वापस आया है तो आंसर आ जाएगा अपने पास 40 किलोमीटर आंसर कितना आ जाएगा अपने पास 40 किलोमीटर बोलो अगर यह पूछ ले क्वेश्चन में द टोटल डिस्टेंस दैट ही ट्रेवल्स उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी बतानी है तो भाई उसके घर से ऑफिस की दूरी कितनी है बीस किलोमीटर घर से ऑफिस की दूरी है बीस किलोमीटर या सिर्फ डिस्टेंस पूछेगा तो बीस किलोमीटर और अगर ये पूछ ले टोटल डिस्टेंस ही ट्रेवल्स तो दैट मीन फोर्टी किलोमीटर तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी चालीस किलोमीटर कितने लोगों का फोर्टी आ रहा है भाई जल्दी से बताओ फोर्टी कितने लोगों का आ रहा है समझ में आ गया फोर्टी क्यों आएगा क्यों ट्वेंटी नहीं आएगा फोर्टी क्यों आएगा ये वाला पॉइंट समझ में आ गया बोलो हाँ ना जल्दी से बताओ फटाफट से यहां तक बताओ जरा फटाफट फड़ से पहला क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से पहला क्वेश्चन भी यही था मगर यहां पर क्या पूछा गया था व्हाट इज द डिस्टेंस दूरी बतानी है तो दूरी का मतलब उसके घर से ऑफिस की दूरी पूछ रहा है वो उसके घर से ऑफिस की दूरी पूछ रहा है बट इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया दोस्तों व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ही ट्रेवल्ड तो उसके द्वारा तय करी गई कुल दूरी बतानी है तो तय करी गई कुल दूरी कितना हो जाएगी चालीस किलोमीटर बोलो क्लियर बीस गया और बीस वापिस आया है बोलो क्लियर है यहां तक चीजें तो इस तरीके से एग्जाम में आप लोगों का चालान काट देगा वो ये बात ध्यान से समझ लेना गड़बड़ मत करना बिल्कुल भी तो बात समझ गए कि क्या पूछा जाता है और क्या बताते हो आप लोग एग्जाम में जाके आपसे आती हुई चीजें भी गलत करवा देता है एग्जामिनर क्यों आप क्वेश्चन को नहीं पढ़ते अच्छे से चलो अगला क्वेश्चन अब गलत नहीं होगा चिंता मत करो अब गलत नहीं होगा टेंशन मत लो अब गलत नहीं होगा ठीक है अब गलत नहीं होगा आप गलत नहीं होगा चलो अब देखता हूं कि अब कौन कौन बता सकता है बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया निरंजन यादव कह रहे हैं कि सर आई एम योर स्टूडेंट्स एंड आई गॉट सिलेक्टेड डी एफ सी सी आई एल जेई इलेक्ट्रिकल फॉर अवर ग्रेटफुल टू यू फॉर थैंक्स निरंजन ये आपकी मेहनत है आपने अपनी मेहनत की वजह से अपना सिलेक्शन लिया है और जो विद्यार्थी मेहनत करता है जो भी भाई अपना भाई बहन मेहनत करते हैं तो वो निश्चित रूप से सिलेक्शन ले लेते हैं तो आपने मेहनत करी और आपने सिलेक्शन ले लिया बहुत बहुत बधाई आपको मेरी तरफ से और अड्डा परिवार की तरफ से भी बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं एक व्यक्ति अपने कार्यालय में पांच मिनट की देरी से पहुंचता है जब वह अब ये देखो अर्लियर और लेटर का कॉन्सेप्ट आ गया कि नहीं आ गया पांच मिनट की देरी से पहुंचता है जब वह आठ किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है इस बात का मतलब यह है कि पहली स्पीड कितनी दे रखी है दोस्तों अपने पास एस की वैल्यू दे रखी है आठ किलोमीटर पर आवर एट किलोमीटर पर आवर और एस टू की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने पास एस टू की वैल्यू हालांकि जब वह बारह किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा वेन ही इंक्रीज इज स्पीड टू ट्वेल्व किलोमीटर पर आम बोलो जरा फटाफट से जल्दी से जल्दी से फटाफट ही रीच फाइव मिनट अर्लियर ही रीच फाइव मिनट अर्लियर वट इज द डिस्टेंस ही ट्रेवल्स द डिस्टेंस ही ट्रेवल्स चलो भाई फटाफट से यहां पर देख लेते हैं अब उस उसने अपनी स्पीड जो है बहुत ध्यान से देखना यहां पर कह क्या रहा है इंक्रीज हिज स्पीड टू ट्वेल्व किलोमीटर पर आवर उसने अपनी जो गति है वो बारह किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी बोलो जरा क्लियर आंसर बताना सारे के सारे लोग बहुत सोच समझ के आंसर बताना बारह किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी उसने अपनी स्पीड बोलो जरा फटाफट से बोलो फटाफट जल्दी क्या चीज एक्सप्लेन करना है कौन सा क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है पहले फटाफट से बताओ कौन सा क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है जल्दी से बताओ <coughs> जल्दी चलो अब उसने अगर अपनी स्पीड बहुत ध्यान से चीजों को देखना अगर उसने अपनी स्पीड 12 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी तो उसकी अब स्पीड कितनी हो जाएगी 8 और 12 पहले 8 थी 12 और बढ़ा दी तो कितनी हो जाएगी न्यू स्पीड 20 किलोमीटर पर आर 20 किलोमीटर पर आर और अब देखना टाइम डिफरेंस किस तरीके से मैनेज करेंगे हम लोग टाइम डिफरेंस है यहाँ पर सारा का सारा खेल टाइम डिफरेंस तो मुझे एक बात बताओ कि वो वो पहले पहले दिन दिन कितना मिनट 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 लेट 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 हो हो जाता जाता है 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 कह रहा ना तो इसका मतलब है सपोज देखो यहां पर उसे इस टाइम पर पहुंचना था और वो पांच मिनट लेट हो गया लेट का मतलब है बाद में आएगा और अगले दिन वो कितना पांच मिनट पहले पहुंच गया तो अगले दिन वो पांच मिनट पहले आ गया तो मैं ये कहूंगा

दूसरे दिन अर्ली है या पहले दिन अर्ली दूसरे दिन लेट तो जुड़ जाएंगे दोनों दिन अर्ली है दूसरे दिन भी अर्ली है तो भी अपने पास टाइम का, का डिफरेंस माइनस हो जाता है तो भी अपने पास टाइम डिफरेंस माइनस हो जाता है तो देखो यहां से लेके यहां तक कितना डिफरेंस आ रहा है दस का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है और दस मिनट को आप घंटे में कन्वर्ट करोगे तो टेन बाई सिक्सटी आ जाएगा बोलो दस मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर लोगे तो टेन बाई सिक्सटी आ जाएगा फटाफट से बताओ यहां पर चीजें क्लियर है कि नहीं क्लियर है जल्दी से बोल दो तो हमारे पास डिस्टेंस <coughs> का फॉर्मूला कितना आने वाला है बहुत ध्यान से चीजों को देखिएगा हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना आने वाला है बहुत ध्यान से चीजों को देख लीजिएगा बहुत ध्यान से चीजों को देख लीजिएगा डिस्टेंस इक्वल्स टू एस वन एस टू अपॉन एस वन डिफरेंस एस टू इन टू टाइम डिफरेंस इन टू टाइम डिफरेंस टू टाइम डिफरेंस अब यहां से खेल समझिएगा अब यहां से खेल समझ लीजिएगा ठीक है चलो ध्यान से देखना अब यहां से खेल समझ लो तो s1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 8 दे रखी है s2 की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों अपने पास s2 की वैल्यू कितनी दे रखी है बीस दे रखी है s2 की वैल्यू बीस दे रखी है यहां पर कर लो स्पीड बाई ठीक है एस <coughs> की वैल्यू बीस दे रखी है अपॉन इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा बीस और आठ का डिफरेंस कितना आ जाएगा बारह जितने किलोमीटर उसने बढ़ाया है वही अपने पास डिफरेंस आएगा और टाइम डिफरेंस कितना आ जाएगा टेन बाई डिफरेंस कितना आ जाएगा टेन बाई लो बस फटाफट से बीस से तीन बार चार से दो बार चार से तीन बार तो कितना आने वाला है ट्वेंटी बाई ट्वेंटी बाई सिक्स किलोमीटर ट्वेंटी बाई सिक्स किलोमीटर है कहीं पर है कहीं पर बोलो जरा फटाफट फड़ से है कहीं पर क्या है कहीं पर तो नन ऑफ दीज इज करेक्ट आंसर नन ऑफ दीज इज योर करेक्ट आंसर कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा है कितने लोगों का आ रहा था ये फटाफट फड़ से बोलो जरा जल्दी से कितने लोगों का ये वाला खेल आ रहा था जल्दी से बताएंगे सारे के सारे लोग यहां पर चीजें क्लियर बोलो क्लियर डन चलें देखें अगला क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट बहुत ध्यान से चीजों को करना एक व्यक्ति अपने कार्यालय में पंद्रह की देरी से पहुंचता जब वह तीस किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो पहली स्पीड कितनी दे दी देखो अर्लियर और लेटर का कॉन्सेप्ट आएगा तो फॉर्मेट तो यही यूज होगा डिस्टेंस इक्वल्स टू एस वन एस टू अपॉन एस वन डिफरेंस एस टू इन टू टाइम डिफरेंस ये आएगा कि नहीं आएगा इन टू टाइम डिफरेंस ये फॉर्मेट रहेगा पहली स्पीड अपने पास दे रखी है दोस्तों पहली स्पीड दे रखी है अपने पास 30 किलोमीटर पहली स्पीड कितनी दे रखी है 30 किलोमीटर दूसरी स्पीड क्या रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो दूसरी स्पीड कितनी हो जाएगी दोस्तों 40 और इन दोनों का डिफरेंस कितना जितना बढ़ाएगा या कम करेगा वही डिफरेंस आएगा जितना बढ़ाएगा या कम करेगा वही डिफरेंस आ जाएगा आगे देखो पहले दिन वो पंद्रह मिनट की देरी से पहुंच रहा है और दूसरे दिन वो पांच मिनट पहले पहुंच रहा है तो एक जगह लेट है और दूसरी जगह अर्लियर है दोनों को जोड़ दोगे टाइम डिफरेंस के लिए देखो मेरी बात सुनो ध्यान से पहले दिन वो मिनट मिनट देर है और दूसरे दिन वो पांच मिनट लेट है तो यहां से लेकर यहां तक का डिफरेंस कितना 15 आ गया पंद्रह और पांच बीस आ गया कि नहीं आ गया पंद्रह और पांच बीस अगर ये पहले दिन पंद्रह मिनट लेट होता पहले दिन कितना पंद्रह मिनट लेट और दूसरे दिन पांच मिनट लेट तो इसका और इसका डिफरेंस कितना आएगा यहां पर दस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा यहां से तो 20 आ जाएगा। बोलो यहां तक चीजें क्लियर है क्लियर है, भाई? भाई है सर जी कहां पर ट्वेंटी बाई नाइन है ट्वेंटी बाई नाइन होगा क्या तो ये लो तीन ती ये लो ये लो ठीक है तीन तीन ट्वेंटी बाई नाइन कर लो इसमें कौन सी बड़ी बात आ गई ठीक ट्वेंटी बाई नाइन हो गया अब यहां पर देख लो जरा फटाफट से तीस से बहुत ध्यान से देखना तीस से ये वाली वैल्यू दो बार और ये दो से दस दूनी बीस बीस से बीस क्लियर डिस्टेंस कितनी आ जाएगी अपने पास फोर्टी किलोमीटर कितने लोगों का आंसर फोर्टी किलोमीटर आ रहा था फटाफट से बताओ फर्स्ट वन कितने लोगों का आंसर आ रहा था यहाँ पर पहला कितने लोगों का आंसर आ रहा है सारे लोगों का फोर्टी 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 आंसर आ रहा है तो लाइक करिए फटाफट से दोस्तों अगर चीजें क्लियर है तो बोलो यहां पर चीजें क्लियर है यहां पर पॉइंट क्लियर है सभी लोगों का क्लियर है चलो नेक्स्ट एक व्यक्ति अपने कार्यालय में पंद्रह मिनट की देरी से पहुंचता है जब वह बीस किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है वह बीस किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है तो पंद्रह मिनट लेट हो जाता है जब वह अपनी, अपनी गति पंद्रह किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो वह छह मिनट पहले पहुंच जाता है छह मिनट पहले पहुंच जाता है वह कितनी दूरी तय करता है चलिए फटाफट बताइए दोस्तों जल्दी से वह कितनी दूरी तय करेगा यह हमें बताना है पहले डिस्टेंस इक्वल्स टू फॉर्मेट तो वही रहने वाला है अर्लियर और लेटर का concept आएगा तो format क्या रहने वाला है ये रहेगा पहली कितनी दे रखी है बीस किलोमीटर दूसरी स्पीड कितनी दे रखी है पंद्रह किलोमीटर बढ़ा दी उसने पंद्रह किलोमीटर बढ़ा दी तो बीस में पंद्रह बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों थर्टी फाइव आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा डिफरेंस कितना आने वाला है पंद्रह जितना बढ़ाएगा या कम करेगा वही तो डिफरेंस बनेगा अपने पास और टाइम डिफरेंस कितना दोस्तों देख लो पहले दिन वो पंद्रह मिनट देरी से पहुंच रहा है और दूसरे दिन दूसरे दिन वो छह मिनट बहुत ध्यान से चीजों को देख लेना सिक्स मिनट लेट पहले दिन वो पंद्रह मिनट देरी से पहुंच रहा है और दूसरे दिन वो सिक्स मिनट लेट पहुंच रहा है जल्दी से देख लो फटाफट -फड़ से फास्ट कितना आने वाला है जल्दी से पहले दिन वो पंद्रह मिनट देरी से पहुंच रहा है और दूसरे दिन वो सिक्स मिनट लेट पहुंच रहा है जल्दी से फटाफट से दूसरे दिन वो सिक्स मिनट लेट पहुंच रहा है आंसर बताओ फटाफट जल्दी से हाँ तो पंद्रह मिनट लेट है तो क्या हुआ पंद्रह मिनट लेट है तो क्या हुआ इसमें कौन सी बड़ी बात है कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो हाँ तो पंद्रह मिनट देरी से और पांच मिनट पहले तो पंद्रह और पांच कितना हो जाएगा बीस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा पंद्रह और पांच कितना हो जाएगा बीस हो जाएगा बोलो हाँ या ना फटाफट से बताओ जरा जल्दी से दोस्तों बोलो डन क्लियर नहीं 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 कुछ नहीं करना कुछ नहीं करना आपको कुछ नहीं करना है समझ में आ रही है कहानी एटीन बाई फाइव फाइव बाई एटीन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता चलिए फटाफट से बताइए कि आंसर कितना आने वाला है जल्दी से देखता हूं कि कौन कौन बता सकता है टाइम डिफरेंस कितना आ रहा है एक दिन पंद्रह मिनट लेट है एक दिन लेट है और एक दिन अर्ली है तो लेट और अर्ली अगर आते हैं तो दोनों टाइम को जोड़ दिया जाता है तो पंद्रह और छह कितना हो जाएगा दोस्तों 21. और 21 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा अपने पास बोलो हाँ या ना 21 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करोगे बीस से कितनी बार तीन बार बीस से कितनी बार तीन बार बोलो हा या ना जल्दी से बता दो बीस से तीन बार आ जाएगा तीन से ये वाली वैल्यू सात बार चली जाएगी डन ये तीन बचेगा अपने पास और 5 से और पांच से वाली वैल्यू सात बार तो फोर्टी नाइन बाई थ्री तो वैल्यू कितनी आने वाली है किलोमीटर सारे लोग बताओ फटाफट से गड़बड़ तो नहीं हुआ 49 कैसे, कैसे, कैसे कैसे मुझे इतनी बात बता दो जरा जल्दी से जल्दी से बताओ कि कैसे आप लोग ये चीज कर देते हो कैसे सेवन किलोमीटर बता दे रहे हो बहुत ध्यान से देख लेना अच्छा 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 इंग्लिश के अकॉर्डिंग ठीक है ठीक है ठीक है हमने क्या किया यहां पर पहले दिन भी वो क्या है लेट है बहुत ध्यान से देखना और दूसरे दिन भी वो लेट है दूसरे दिन भी वो लेट है ठीक पंद्रह किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो सिक्स मिनट पहले की जगह यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों पहले, देरी से तो यहां पर भी वो देरी से आएगा यहां पर भी वो क्या आएगा देरी से ठीक है लेट है दोनों जगह लेट है हिंदी में एरर था हिंदी में एरर था कोई दिक्कत नहीं पहली स्पीड कितनी दे रखी है बीस दूसरी स्पीड कितनी दे रखी है दोस्तों अपने पास पैंतीस और डिफरेंस कितना आ जाएगा पंद्रह और पहले दिन भी लेट है और दूसरे दिन भी लेट है तो इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा 9. और इस नौ को अगर आप घंटे में कन्वर्ट करोगे इस नौ को अगर आप घंटे में कन्वर्ट कर लोगे पहले दिन भी लेट था दूसरे दिन भी लेट था ठीक है हिंदी में एरर थी तो यहां पर हमने ठीक कर दिया इसको तो डिफरेंस आ जाएगा दोनों दिन लेट लेट है तो डिफरेंस आ जाएगा ठीक है बीस से ये वाली वैल्यू तीन बार तीन से वाली वैल्यू तीन बार तीन से वाली वैल्यू पांच बार पांच से वाली वैल्यू सात बार तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी अपने पास सेवन किलोमीटर आ जाएगी कितना आ जाएगी सेवन किलोमीटर ये अपने पास आंसर आ जाएगा सेवन किलोमीटर बोलो क्लियर सेवन आ रही हिंदी वालों को फोर्टी नाइन बाई थ्री आएगा बट अभी हिंदी में मैंने करेक्शन कर दिया है सिक्स मिनट की जगह यहां पर पहले की जगह लेट कर दिया दोनों जगह लेट बना दिया मैंने दोनों जगह लेट बना दिया है मैंने क्वेश्चन को क्लियर है भाई चलो अब चीजें क्लियर चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बहुत ध्यान से चीजों को देखिएगा बहुत ध्यान से चीजों को देखिएगा बहुत ध्यान से एक देखिएगाट बाई टेन मिनट दस मिनट की देरी से ही ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ थर्टी किलोमीटर पर आज जब वो है तीस किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है तो उसकी स्पीड कितनी देर रखी है दोस्तों तीस किलोमीटर तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमसे डिस्टेंस पूछा गया है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है अर्लियर और लेटर और का दूसरी स्पीड कितनी दे रखी है चालीस किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दूसरी स्पीड चालीस दे रखी है डिफरेंस कितना आएगा दस पहली स्पीड तीस दे रखी है दूसरी स्पीड चालीस दे रखी है थर्टी इंटू फोर्टी अपॉन डिफरेंस टेन आ जाएगा

फटाफट जल्दी बोलो हां या ना बोलो फटाफट सिर्फ अपने पास फाइव दो बचा और पांच बचा डिस्टेंस आ गया टेन किलोमीटर कितने लोगों का ये आंसर आ रहा था कितने ऐसे लोग हैं जिनका टेन किलोमीटर आंसर आ रहा है सिक्सटी क्यों लगा रहे हो थर्टी क्यों लगा रहे हो टेन आंसर आ रहा है सिंगल लाइनर कैलकुलेशन है क्या इसको भी करने में प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को क्या इसको भी करने में प्रॉब्लम आ रही है मेरे दोस्त फटाफट से बताओ जरा क्या इसको भी करने में प्रॉब्लम आ रही है चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से गलत मत करना बिल्कुल भी सारे लोग बताएंगे फटाफट से टेन 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 इज योर करेक्ट आंसर चलो फटाफट से बताओ जल्दी से फटाफट फास्ट फटाफट एक व्यक्ति अपने कार्यालय में दस मिनट की देरी से पहुंचता है जब वह तीस किलोमीटर प्रति ती घंटे की गति से यात्रा करता है तो डिस्टेंस इक्वल्स टू एस वन एस टू ओवर एस वन डिफरेंस एस टू इंटू टाइम डिफरेंस इंटू टाइम डिफरेंस फॉर्मेट आएगा पहली स्पीड दे रखिए थर्टी दूसरी स्पीड कितनी दे रखिए फोर्टी दूसरी स्पीड कितनी दे रखी है फोर्टी बोलो हा या ना दूसरी स्पीड कितनी दे रखिए फोर्टी दे रखी है दोस्तों पहली स्पीड थर्टी दूसरी स्पीड फोर्टी बोलो क्लियर डिफरेंस कितना आ जाएगा? टेन आ जाएगा डिफरेंस तो आ गया। अब पहले दिन वो दस मिनट की देरी से पहुंचता है दूसरे दिन वो फाइव मिनट, मिनट, मिनट अर्ली है तो लेट और अर्ली जब कभी मिलेंगे तो दोनों को जोड़ दोगे तो टाइम डिफरेंस कितना मुझे अर्ली और लेट को हम जोड़ते हैं लेट लेट होता है तो घटा देते हैं और अर्ली और अर्ली होता है तो भी घटा देते हैं इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको फटाफट से बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है चलिए सॉल्व कर लीजिए पंद्रह से चार बार चालीस से चालीस लिए और डिस्टेंस कितनी आ जाएगी अपने पास दोस्तों थर्टी किलोमीटर डिस्टेंस कितना आ जाएगा थर्टी किलोमीटर फर्स्ट वन इज करेक्ट पहला अपने पास करेक्ट आंसर है ठीक है भाई पे, पे एक आ जाते हैं। और बताओ किसी और टॉपिक पे अगर आपको क्लास चाहिए पे के आ चिंता मत करो और बताइए किसी और टॉपिक पे क्लास चाहिए तो फटाफट से बताओ कमेंट्स करके ये भी बताओ किस किस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है मैं नोट कर लेता हूँ फटाफट से नोट कर लेता हूँ किस किस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है चलिए भाई फटाफट से बताते चलिए किस किस चैप्टर में तो यहां पर देखो एक स्टूडेंट बोल रहा है यहां पर कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर्स वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर्स चलो एक तो ये वाला हो गया इस पर एक और क्लास ले आएंगे कोई और प्रॉब्लम हो तो बताओ जरा फटाफट से जल्दी से फटाफट से जल्दी से बताओ चेजिंग स्पीड ठीक है भाई हालांकि चेजिंग स्पीड पे मैंने आप लोगों का एक वीडियो बना चुका हूं ब्लैक मैजिक में देख लेना जब कुत्ता बिल्ली का पीछा करता है चोर

सब करा दो अच्छा भाई विनीत चलिए मेरे भाई चलिए प्रॉफिट एंड लॉस पर भी प्रॉफिट एंड लॉस पर भी मैं आप लोगों के लिए ले आऊंगा तो टेंशन मत लो एक एक दिन में एक एक चीजें क्लियर करते चलेंगे धीरे धीरे है ना धीरे धीरे लेके चलना है नाव को भवर में फंसना जाए नाव इसलिए बहुत धीरे धीरे लेके चलना है। जब आप सीख जाओगे कि कैसे पतवार चलानी है कैसे नाव को आगे लेके जाना है तो आप खुद ही लेके जाओगे फिर मेरी जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगी दोस्तों चलिए इधर आ जाओ जरा फटाफट से यहां पर बताओ फटाफट क्या आने वाला है आंसर बताना सारे के सारे लोग इस क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज सभी लोगों के पास है पहले मुझे इतनी बात बताओ टेस्ट सीरीज सभी लोग लगा रहे लगा रहे रहे हो हो कि नहीं पाइप टंकी ठीक है भाई पाइप टंकी की भी आप बोट एंड स्टीम का भी करा दूंगा स्क्वायर रूट पे तो मैंने करा दिया था स्क्वायर रूट पे तो मिलन मैं करा चुका हूँ मेरे भाई स्क्वायर रूट क्यूब रूट पर मैं करा चुका हूँ एक क्लास एक और ले आऊंगा ठीक है अपस्टीम डाउन स्टीम बोट Boat and steam का भी मैं करा दो दिन पहले देख लो जरा तुम लोग रोज रोज तो आते नहीं हो इसकी प्ले पड़ी हुई है नीचे लिंक में तो उस प्ले पे जाओ और जितनी भी वीडियो है मेरी अभी तक ठीक है लगभग यहाँ 40 प्लस वीडियो हो चुकी हैं तो जितनी भी टोटल वीडियो है उनको एक बार ध्यान से देख लो कि 40 वीडियो है तो 40 टॉपिक कवर हो जाएंगे आप लोगों के अगर आप मेहनत करते हैं ना डेली बेसिस पर तो आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा चिंता मत करो अर्लियर और लेटर की बात कर रहा है तो इस s1 s2 ओवर s1 डिफरेंस h2 टाइम डिफरेंस यही तो फॉर्मेट रहने वाला है ये फॉर्मेट रहने वाला है पहले दिन डिस्टेंस कितनी दे रखी है 2.5 अगले दिन उसने अपनी एक किलोमीटर गति बढ़ा दी तो जब 1 किलोमीटर बढ़ा दी तो अगले दिन कितनी हो जाएगी 3.5 डिफरेंस कितना आएगा वन और ऐसा करने की वजह से पहले दिन वो छह मिनट लेट पहुंच रहा था और दूसरे दिन वो सिक्स मिनट अर्ली पहुंच रहा है तो अर्ली और लेट अगर आएंगे गलती से भी तो हमें क्या करना पड़ेगा बारह बटे साठ जोड़ना पड़ेगा टाइम को छ और छह तो ये कितना आ जाएगा अपने पास दोस्तों ये कितना आ जाएगा अपने पास बारह पंजे साठ आ जाएगा और टू पॉइंट फाइव से ये कितनी बार दो बार चले तो वैल्यू कितनी आ जाएगी थ्री पॉइंट फाइव इंटू वन बाई टू थ्री पॉइंट फाइव को मैं लिख सकता हूं ऑलरेडी सेवन बाई टू इंटू वन बाई टू वैल्यू कितनी आने वाली है सेवन बाई फोर किलोमीटर किलोमीटर सेवन बाई फोर किलोमीटर बोलो कितने लोगों का आंसर सेवन बाई फोर किलोमीटर आ रहा था यहां पर पॉइंट सभी लोगों का क्लियर है सेवन बाई फोर किलोमीटर तो एक कॉन्सेप्ट जो आप लोगों ने सीखा है आज वो कॉन्सेप्ट क्या सीखा उसका फिर से एक बार मैं रिवीजन करता हूं दोस्तों ध्यान से देखना यहां पर अगर टोटल टाइम दिया हुआ है तो यह वाला कॉन्सेप्ट आएगा अगर टोटल टाइम दिया गया है तो यह वाला आएगा आएगा आने और जाने का कुल समय दिया गया है तो यह वाला लाइक कर दीजिएगा अगर मजा आया हो आज के क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया हो तो कंप्लीट कुछ लोगों को पहले से भी आता होगा उनका रिवीजन हो गया होगा जिन लोगों को नहीं आता है उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा ठीक है अगर टाइम डिफरेंस दिया जाए मतलब अर्लियर और लेटर की बात करी जाए कहीं पर भी भूल से भी तो आंख बंद करके ये वाला कॉन्सेप्ट लगा देना और किसी कॉन्सेप्ट के चक्कर में मत पड़ना डिस्टेंस निकालते समय यह देख लेना कि डिस्टेंस पूछा गया है या टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड पूछा गया है टोटल ट्रेवल डिस्टेंस पूछा जाएगा तो डिस्टेंस का डबल कर देना क्यों क्योंकि आने की डिस्टेंस और जाने की डिस्टेंस ये दोनों चीजें आपसे वो पूछ लेगा तो इसलिए ध्यान से देखना कि पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में टोटल डिस्टेंस घर से ऑफिस की दूरी पूछी जा रही है या कुल तय की गई दूरी पूछी जा रही है बोलो क्लियर सारे लोग बताओ चैप्टर वाइज नौ बजे चल रही है माई माई सिद्धू बजे चल रही है बेटा चैप्टर वाइज तो चैप्टर वाइज वाले क्लास अगर आपको अटेंड करनी है तो नौ बजे वाली क्लास में भी आप लोग आए और यहां पर सुबह छह बजे मेरा यह तरीका रहता है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को यहां पर करा देता हूं सुबह छह बजे ठीक है क्लियर है यहां तक बातें क्लियर है भाई क्लियर कॉन्सेप्ट अमरदीप कह रहे हैं समझ में नहीं आया तो अमरदीप एक बार शुरू से पूरी क्लास को देख लेना इसको और आशा करता हूं कि समझ में आ जाएगा मेरे भाई ठीक है बहुत इजी शब्दों में मैंने आप लोगों को ये चीजें कराई है बहुत ही इजी शब्दों में अच्छा ऐसे जितने भी लोग हैं जिनके पास अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं है तो टेस्ट सीरीज पर सत्ताइस का ऑफ चल रहा है वाई पांच सौ तैतीस ओ एस ये वाला कोड लगा के आप सत्ताईस का ऑफ यहाँ से ले सकते हैं इसी के साथ साथ अगर आप लोग एस एस सी हवलदार की तैयारी कर रहे हैं फिर से बता देता हूँ एस 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 हवलदार की तैयारी कर रहे हैं तो पांच जुलाई से पांच जुलाई से इसके एग्जाम हो जाएंगे दोस्तों पांच जुलाई से इसके एग्जाम हो जाएंगे अभी आपके पास सिर्फ बीस दिन बचे हैं तो ट्वेंटी डेज में आप लोग ये क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है और इसकी कॉस्ट है दोस्तों इसकी कॉस्ट बारह सौ कुछ रुपए बट आपको ये फोर नाइनटी एट रुपीज में मिल जाएगा फोर नाइन्टी एट रुपीज में सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे और दोस्तों साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी

तो दोस्तों सारे पे क्लासेस मिल जाएंगी चाहे एस एस सी सीजीएल मिल जाएगा दिल्ली पुलिस का मिशन बैच भी आपको मिल जाएगा एम का बैच भी मिल जाएगा कंप्लीट एक फाउंडेशन बैच भी मिल जाएगा आपको बिहार एस भी मिल जाएगा सिलेक्शन पोस्ट भी मिल जाएगा हवलदार का एक और इंडिविजुअल बैच है थ्री पॉइंट वो भी मिल जाएगा बिहार कर... एस एस सीजीएल क्रांति बैच भी मिल जाएगा आपको एस एस कंप्लीट फाउंडेशन बैच भी मिल जाएगा ठीक है जो दो हजार के लिए है और साइंस का इंडिविजुअल बैच जो आ रहा है वो भी मिल जाएगा दोस्तों सारे के सारे बैच आपको इसमें मिल जाएंगे अभी आप लोगों के जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ध्यान से समझना पंचायत जीएस की इसमें साढ़े सात हजार क्वेश्चन का ये बहुत ही प्यारा बैच आ रहा है कोड ये ध्यान रखिएगा पांच अगर आप लोग मेरी बात ध्यान से समझना अगर आप लोगों के पास अगर आप लोगों के पास जीएस को लेकर प्रॉब्लम होती है तो ये जीएस का कंप्लीट सोल्यूशन बैच है और इसकी कॉस्ट भी बहुत कम रहने वाली है इसकी कॉस्ट भी बहुत कम रहने वाली है तो इस बैच को भी आप यहाँ से क्या कर सकते हैं दोस्तों इस कोड के साथ ले सकते हैं चलो मैं बता देता हूँ कि इस बैच की कॉस्ट कितनी है ठीक है इस बैच की कॉस्ट कितनी है अब अगर आप ये वाला कोड यूज करते हैं वाई पांच अपने दिमाग में रखिएगा वाई पांच अभी आपको लाइव दिखा देता हूँ ठीक है अभी आपको लाइव दिखा देते हैं कि कितनी इसकी कॉस्ट रहने वाली है हमने यहाँ पर सर्च किया अड्डा टू फोर सेवन गए एंड या तो स्टोर से देख लो अपने पास या तो स्टोर से देख लो चलिए भाई यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर गए हमने सेलेक्ट किया जिस एग्जाम की भी तैयारी कर रही है एस सेलेक्ट किया अगर एस की तैयारी कर रही है तो हमें उसके बाद हम लोग आगे की तरफ चले गए और यहाँ पर हमने एस एस सी एस एस सी सेलेक्ट किया एस एस सी के बाद हमने एस एस सी महापैक लोगे तो महापैक में तो सभी मिल जाएंगे महापैक नहीं लेते हम एस एस सी सेलेक्ट करने के बाद एस एस सी सेलेक्ट करने के बाद हम हम आ गए अपने पास एस एस सी एम टी एस में ठीक है एस एस सी एम टी एस में ये हमारे पास कामयाबी बैच है इसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कामयाबी बैच को साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग अपना इंडिविजुअल बैच सेलेक्ट करते हैं इंडिविजुअल बैच सेलेक्ट करते हैं एस एस सी सी जी एल के लिए ठीक है तो हम लोग यहाँ से अपनी चीजों को कर सकते हैं दोस्तों ठीक वहां सेलेक्ट कर लिया हमने और महापैक सेलेक्ट करने के बाद ये देखिएगा दोस्तों महापैक सेलेक्ट करने के बाद अगर हम ये कोड डालते हैं अपना वाई पांच सो तैतीस और अप्लाई करते हैं तो जो कॉस्ट बारह हजार नौ सौ निन्यानवे रुपए दिखा रहा है वो उनतीस सौ नवासी रुपए हो गई तो लगभग तीन हजार रुपए का एक आपको पड़ेगा सेवन सेवन परसेंट का आपको ऑफ मिल जाएगा तो बात समझ पा रहे हैं आप लोग तो यहां से ये इतना डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा क्लियर तो चलिए आप लोगों को अगर ये क्लास अच्छी लगी हो फटाफट फड़ से तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना शेयर करना अपने सभी दोस्तों तक और दोस्तों ऐसी ही धमाकेदार ट्रिक्स के साथ साथ डेली सुबह बजे बजे मेरे जुड़िए और नौ बजे, आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट डिस्कस करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट में और कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे साथ बनते हैं तो चलिए नौ बजे मिलेंगे तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए बाय बाय टेक केयर नेक्स्ट क्लास सर की है फटाफट से उसको ज्वाइन कर लीजिए इंग्लिश में धमाकेदार तरीके से वो बताते हैं दोस्तों और मैं फिर से आप लोगों को कह रहा हूँ जितने लोगों का एग्जाम है वो लोग याद रखिएगा कि टेस्ट सीरीज कम से कम उनके पास होनी चाहिए और महापैक है तो फिर टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत नहीं है उसी के अंदर आपको ना। दिखाओ ना अच्छा लग रहा है ना हा भैया इनके लिए तो छत इंच वाली हील दिखा दो ठीक है हाँ बेटा बोल माँ हाँ मैंने टीचिंग एग्जाम क्लियर कर लिया सच भैया हाँ जी फ्लैट सी दिखाइए क्यों क्या हुआ कद बढ़ाने के लिए अब लटकना शुरू करोगी दिन रात ट्वेंटी फोर सेवन <laughs> बेटी ने अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन ज्वाइन किया और टीचिंग एग्जाम क्लियर किया और बच्चे जब तरक्की करते हैं ना तो माँ बाप का कद अपने आप बढ़ जाता है अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन की एक्सपर्ट एंड फैकल्टी और क्वालिटी एजुकेशन से आप तैयार होते हैं बैंकिंग टीचिंग एस एस सी जैसे अनेक कम्पिटिव एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए और एक अच्छा करियर बनाने के लिए अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन जॉब है तो रॉब है